सुबह में पुलिस से बेखौफ दबंग ने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी की अवैध तमंचे से गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। देर रात हुए हत्याकांड के सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घर के बाहर 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या होने से परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में बजरिया मोहाल की बड़ी माता मंदिर के पास रहने वाला व्यापारी अनिल चौरसिया बीती शाम कानपुर से घर आया था और घर के बाहर बने मंदिर में वो देर रात माथा टेकने जा रहा था। इस दौरान पहले से खड़े कुछ लोगों ने रोका और अवैध तमंचे से सीने में गोली मार दी। कल रात के 12 बजे थाना चरखारी में सूचना प्राप्त हुई कि बजरिया कस्बा चरखारी में एक अनिल चौरसिया पुत्र स्वर्गीय भगवान दास चौरसिया को गोली लग गई है। घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। अभी तक जो प्रारंभिक तथ्य आए हैं कि कुछ लोग एक जगह पर थे और उनके पास कोई कट्टा था जिससे कि फायर हुआ। फायर किन परिस्थितियों में हुआ, इन सब बिंदुओं की गहनता से जाँच की जा रही है। मृतक के परिजनों की फौरी सूचना के आधार पर पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।